हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोसेज कंपेंसेशन। तो इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया अर्थात दो लिंगों के मध्य अंतर कुछ निश्चित जीन के स्विच ऑन तथा स्विच ऑफ की प्रोसेस से कंट्रोल होती है। ये जीन कुछ ऐसे यौगिक और पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो कि विशिष्ट जो है जीन ग्रुप्स को उत्तेजित कर सेक्स डिटर्मिनेशन पाथवे के एक मेल और दूसरी ओर फीमेल प्रगति करने के लिए निर्देशित करते हैं। ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला एस आर वाई जीन एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो कि प्रारंभिक काल में ही भ्रूण को मेल में विकसित होने के लिए निर्देशित करती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए क्रोमोसोम में किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया में क्रोमोसोम्स की विभिन्नता हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि जटिलता का कारण क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभी तक सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम की विभिन्नता की उस आवश्यकता को ठीक से समझ नहीं पाए हैं जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में अलग अलग सेक्स में विकसित होने के लिए आवश्यक है मात्रा संबंधी प्रतिकार का विचार। साइंटिस्ट के अनुसार इसका कारण क्रोशिंग ओवर का रुकना है जो है जिसके कारण धीरे धीरे हानिकारक म्यूटेशंस जो है का संग्रह हुआ। इस प्रक्रिया में जो के कारण है दो एक समान क्रोमोसोम होमोलोगस और क्रोमोसोम में से एक जो है डिजनरेटेड जो होता है हो गया। मैमल्स एवं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में नर में एक सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स तथा दूसरा वाई पाया जाता है जबकि मादा में दो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें से वाई में बहुत कम जीन पाए जाते हैं जबकि मादा में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें से वाई में बहुत कम जीन्स पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं वे नर के विकास तथा उसकी प्रजनन क्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं। साइंटिस्ट के तीन विचार व्यक्त किए हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं जिससे हेट्रोजेनेटिक जो होता है तथा होमोगैमेटिक सेक्स के बराबर इक्वल किया सके। तो मादा के एक्स क्रोमोसोम्स की तुलना में नर का एक्स क्रोमोसोम दोगुना गति से जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है। दूसरा, मादा में एक्स क्रोमोसोम अक्रियशील हो जाता है। मादा के दो एक्स क्रोमोसोम्स आधी गति से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और प्रकृति में ऊपर बताई गई तीनों पद्धतियों को उदाहरण उपलब्ध है। प्रथम पद्धति का उदाहरण ड्रोसोफिला तथा सेकंड का ह्यूमन है। टर्सरी पद्धति का जो है दोस्तों जो है कीनियो रोहिबिटिट्स है, एलेगिनस निमेटोड्स है। ये तो इन तीनों पद्धतियों का विकास जो है स्वतंत्र रूप से केवल मादा क्षतिपूर्ति के लिए हुआ है तथा वे अपने उद्देश्य को पूरी क्षमता से पूर्ण कर रहे हैं। इन तीनों जातियों में इन क्रोमोसोम्स में होने वाले म्यूटेशन मात्रा क्षतिपूर्ति को प्रभावित करते हैं जो कि प्रभावित सेक्स के लिए लीथल हैं। डोसेज कंपेंसेशन इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में नर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की गति दोगुनी हो जाती है। यह पद्धति ह्यूमन क्रोमोसोम अक्रियशील होता है और ड्रोसोफिला मेल का एक्स क्रोमोसोम क्रियाशील होता है।
फीमेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फीमेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्स क्रोमोसोम्स की क्रियाशील को दुगुना करना मानव की तुलना में कठिन है, जहाँ फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम्स को अक्रियाशील किया जाता है। मात्रा प्रतिकार की क्रिया का प्रारंभ। ड्रोसोफिला में मात्रा क्षतिपूर्ति पाथवे जिस जीन के द्वारा कंट्रोल होता है उसे सेक्स लीथल अर्थात एक्स गुणित एल कहते हैं। एक्स गुणित एल की एक्सप्रेशन तथा क्रियाशील प्रोटीन पदार्थ जो है क्रोमोसोम तथा ऑटोसोम्स के अनुपात से कंट्रोल होता है, जबकि ड्रोसोफिला में एक एक्स जीन क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के दो सेट के साथ होता है, अर्थात एक्स ए 0.5 मेल में तब क्रियाशील एक्स एल घातक कारक उत्पन्न नहीं होता है, परंतु जहां एक्स बराबर 1.00 मेल में जब क्रियाशील एक्स एल लीथल फैक्टर उत्पन्न होता है और फीमेल तथा मेल में एस गुणित एल का सिंथेसिस जीन के जो है स्पेलिसिंग संबंधन पद्धति पर निर्भर करती है, जो कि अंततः एक्स ए के अनुपात पर निर्भर होती है। यह 1.0 होता है तो संबंधन जो के टाइम एक्सोन कट जाता है तथा एक्स गुणित एल पॉलीपेप्टाइड स्त्रावित होती है, परंतु जब एक्स ए का अनुपात 0.5 होता है तो एक्सोन एमरन आरएनए में रहता है, जिसे एक्स एल प्रोटीन का स्क्रीनिंग जो सिक्रेशन जो है ठीक नहीं होता है। एक्स गुणित एल की एब्सेंस में मेल को विकसित करती है। इस प्रकार की ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं करता है, परंतु वह निषेचन क्षमता के लिए आवश्यक है। एक्स ओ ड्रोसोफिला बाह्य रूप से नर्म होता है, परंतु उसमें निषेचन क्षमता का अभाव होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम लीजिएगा, नीचे भी इसका अच्छा चित्रण दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इस वाले से भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप इससे ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये डायग्राम आप इससे देख लीजिएगा, ये सब बाकी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ये समझ सकते हैं। मेल और फीमेल में एक्स वाई ए और एक्स वाई ए यहाँ पे जीनोटाइप वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक्स रेशियो जो है यहाँ पे 0.5 है, 1.0 है, और यहाँ पे एक्स गुणित एल जीन जो है यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे दोस्तों ये सब क्रोमोसोम्स का जो है निर्माण हो रहा है। तो डोसेज कंपोजिशन इन मैमल्स। मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स एक्स मादा तथा एक्स वाई नर के रूप में होता है। दो एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे ये डायग्राम आप इसे बना सकते हैं। क्रोमोसोम फीमेल में प्रारंभिक जो है डेवलपमेंट फीमेल में प्रारंभिक डेवलपमेंट में भ्रूण को जो है आरोपण के टाइम अक्रियाशील हो जाता है। फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम्स के अक्रियाशील होने की प्रक्रिया को सर्वप्रथम 1961 में इंग्लैंड की साइंटिस्ट मेरी लॉयन ने बताया था। उन्होंने यह निष्कर्ष माइस पर स्टडी कर बताए थे। उनके अनुसार एक्स क्रोमोसोम उस टाइम अक्रियाशील होता है जब भ्रूण में कुछ हजार सेल्स होती हैं। इस टाइम प्रत्येक सेल स्वतः किसी एक एक्स क्रोमोसोम्स के अक्रियाशील होने पर का निर्णय लेती है। जिस एक्स क्रोमोसोम्स को अक्रियाशील होना है वह रैंडमली चुन ली जाती है। एक बार यह चुनाव होने के बाद उस सेल्स से विभाजन के फलस्वरूप जितनी सेल्स बनेगी उन सब में वह एक्स क्रोमोसोम्स अक्रियाशील होता है। उसे फीमेल मैमल्स विशेषकर माइस तथा एंड कैट में जेनेटिक जो है मोजेक कहते हैं, जिसे दो प्रकार के सेलुलर क्लोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि माँ से प्राप्त एक्स क्रोमोसोम्स तथा पिता से प्राप्त क्रोमोसोम्स अलग अलग 50% सेल्स में अक्रियाशील होते हैं। इस प्रकार फीमेल जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के लिए हेटरोजाइगस जो होती है दो टाइप्स के आकारिक रूप से फर वाले
प्रणों को जन्म देती है जिसे मोजेइक पैटर्न्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बियर बॉडीज, जो एक्स क्रोमोसोम्स जो है क्रियाशील होते हैं फॉर्मेशन ऑफ बियर बॉडीज जो एक्स क्रोमोसोम अक्रियाशील होता है उसकी अक्रियाशीलता स्थायी होती है। यह परिवर्तन जो है एपिजेनेटिक होता है। अक्रियाशील क्रोमोसोम्स का डीएनए जो है केमिकल रूप से परिवर्तित हो जाता है बिकॉज उसमें बहुत से मिथाइल वर्ग जुड़ जाते हैं। ये एक संगठित स्ट्रक्चर बनती है जिनको जो है फैकल्टी यह एक गहरी डार्क बिंदु के समान स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे बर बॉडी कहते हैं। यह नाम इसको बताने वाले कनाडा साइंटिस्ट मैरी बर के नाम पर रखा गया है। ये चित्र जो है एक्स एक्स फेस का जो है ह्यूमन में एक बेरी बॉडी है। यह स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह से चिपक जाती है। यह सेल्स के क्रोमोसोम्स में द्विगुणित होने पर स्वतः द्विगुणित हो जाती है। अक्रियशील एक्स क्रोमोसोम्स इस रूप में सभी सोमेटिक सेल्स में रहता है परंतु जर्म सेल्स में यह पुनः क्रियाशील होकर एक्स क्रोमोसोम्स की दो प्रतिलिपियां बनाती है क्योंकि यह ओजेनेसिस के समय अर्धसूत्री विभाजन का के लिए आवश्यक होता है। सम जीन्स जो है यहाँ पे स्कैप इनएक्टिवेशन की जो प्रक्रिया होती है इसे बताया गया है कि अक्रियाशील एक्स क्रोमोसोम कुछ साइंटिस्ट इसे एक्स भी कहते हैं। सभी जीन्स जो है अक्रियाशील नहीं होते हैं। इसमें जीन का एक ग्रुप है जिनको स्यूडो ऑटोसोमल रिचन PAR कहते हैं अक्रियाशील नहीं होते हैं। इनमें से कई जो है जीन वाई क्रोमोसोम के जीन के होमोलोगस होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पेयर बनाते हैं बिकॉज पेयरिंग की यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक है। कुछ अन्य जीन की अक्रियाशील होने पर से बच जाते हैं जिनके वाई क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स पर होमोलोगस जीन होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स का अक्रियाशील होना एक आवश्यक क्रिया है परंतु फिर भी कुछ विशिष्ट भाग अक्रियाशील नहीं होते हैं। एक्स जो है इनएक्टिवेशन सेंटर XIC स्टडी से पता चला है कि एक्स क्रोमोसोम तभी अक्रियाशील होता है जब उसमें विशिष्ट क्षेत्र होता है। यदि यह विशिष्ट क्षेत्र उस एक्स क्रोमोसोम्स में नहीं होता है तो यह वह जो है अक्रियाशील नहीं होता है। इस विशिष्ट क्षेत्र को XIC अर्थात एक्स क्रोमोसोम्स अक्रियाशील केंद्र कहते हैं। ह्यूमन में जो है XIC का जो है साइज 400 KB को साइज का होता है तथा एक्स जो है Q13 क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अक्रियाशील होने की प्रक्रिया अनुसार तथा यही है। मैं 13 क्षेत्र में XIC केंद्र स्थित हैं। एक क्रोमोसोम्स में स्प्रेयर रिप्रेसर प्रोटीन XIC केंद्र को रोककर ब्लॉक उसको क्रियाशील नहीं होने देता है जबकि दूसरे क्रोमोसोम्स में XIC केंद्र से अक्रियाशीलता दोनों ओर फैलती है क्योंकि उसको रिप्रेसर रोक नहीं सक पाता है। ये दोस्तों एक्स तथा वाई गुणसूत्र का तुलनात्मक अध्ययन है। यहाँ पे डायग्राम उतना क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन आप समझ जाइएगा, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा फोटो स्क्रीनशॉट लेके। हम कंक्लूजन की बात करें तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन में एग में वाई क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला SRY जीन एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो कि प्रारंभिक काल में भ्रूण को मेल में डेवलप होने के लिए निर्देशित करता है। फीमेल एक एक्स क्रोमोसोम्स के अक्रियाशील होने की प्रक्रिया को मेरी लॉयन ने 1961 में बताया था। उनके अनुसार एक्स क्रोमोसोम्स तभी अक्रियाशील होता है जब उसमें XIC रीजन क्षेत्र पाया जाता है।
और इसे एक्स क्रोमोसोम अक्रियशील कहते हैं। तो